आदर्शी बंदे तरले करते भी ना रावण का वो नहीं हटती चोर चोरी छड़ जाता है मैं भी नहीं छड़ सकता आदत बंदे की मौत तक जाती कि मैं झोले च कुरान सुनने की आदत पै जा रही नमाज के नाल खेडन की आदत पै जा रही बड़ी प्यारी हदीस है क्या कमाल हदीस हदीस पा के कि शाहजादे खेडते घरों निकलते हैं तो हुजूर क्याम में चुनते हैं हुजूर जमात करवा रहे हैं इमामत फरमा रहे हैं हुजूर खड़े क्याम में चुनते हैं तो शाहजादे खेडते खेडते हुजूर के पैर चो एक दूसरे खेड ही होती ना बच्चे की एक दूसरे को पकड़ लो तो छोटे बच्चे हुजूर के पैर चो गुजरते हैं एक बजन वास्ते दूसरा पकड़न वास्ते तो हुजूर अपने पैरों को खोल देते हैं कायनात दे उस लजपाल की नमाज है जिस दी नमाज नो अगर फॉलो ना किया गया है तो किसी मुसलमान की नमाज होती नहीं नमाज उस दी होनी है जिस तरीका है मुस्तफा के मुताबिक पढ़नी अपनी मर्जी ना कोई जितनिया पड़ताल दे टकरा दे हो सकती है नमाज नहीं हो नमाज है ही हुजूर दी अदामा दा नाम फर्ज अल्लाह दा है तरीका मेरे मुस्तफा दा है ते जिन्ना दी नमाज दे अंदर शहजादे खेडदे वदे होवन ते पैदा होवन तो लग के शहादत तक सिर्फ देखे ही ऐसा माहौल हो गौर करो साढ़े घर च की होता है अमूमन अल्लाह करे साढ़े घर सारे नमाजी हो जाए लेकिन होता की है कि एक अद्धा बंदा नमाज पढ़ता है बाकी सारे घर च नमाज कोई हूँ जितने सात अपराध हो एक पढ़ता हो नमाज तो छे ना पढ़ते हो तो जो सतवा बाल फिर आवना है उस एक वेखना है या छे पूरे उन्होंने वेखना ज्यादा असर तो छे का होना है एक रोजा रखता बाकी नहीं रखते एक कुरान की तिलावत करता है बाकी जोड़े वो नहीं करते अला हासिल किया जरा आवन वाला बच्चे उसके असर छे का ज्यादा होना है अच्छा तो जिस घर के अंदर मां आटा गुन्ने तो कुरान पढ़े चूल्हा चुलावे तो कुरान पढ़े घर की सफाई करे तो कुरान पढ़े चक्की पीवे तो कुरान पढ़े नमाज नाल इतनी मुहब्बत होवे कि ईशा की नमाज तो बाद सर्दियां की यख दस्ता रात ते लंबी तरीन रात सैयदा सजदे च सर रखण ते फजर दी अजान दे वक्त सर उठा के मालिक दी बारगाह च इंतजार कर मौला कोई एक रात ते यो दी लंबी पड़ा देता तेरी फातिमा बंदी रज के एक सजदा ही कर ले सोने दी गल बात ना मुके जिक्र करे दिया रात ना मुके ओवे सिर सरकार दे कदमा विच फिर सारी रात रकात ना मुके जिसना उस मां नूं वेख्या होवे कि जिन्हां दी जुबान ते कदी जिंदगी भर किला मारिया होवे जिन्हां ने जिंदगी भर हमेशा अपने आप ते बाकी लोगों तरजीह दित्ती होवे जिन्हां ने बचपन च वेख्या होवे कि अपनी इफ्तारी का समान बनिया पिया कभी किसी यतीम नूं दे रहा कभी किसी मस्कीन नूं दे रहा कभी किसी कैदी नूं दे रहा उनकी जिंदगी गुमनाम तो नहीं हो सकती असि चुके वेख्या उन्होंने जो यतीम का माल खावन आए जो कैदियों जुलम करने वाले जो मुसाफरों परेशान करने वाले साढ़े तो सामने लोग ही हो कभी उन्होंने वेख्या होंगे कि जेडे अपने बच्चे देखो